ना वो लाइक टू इन्वाइट रिहान अल्ला साहब रेहान साह जब हमें सेशन प्लान कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन हमें रिसीव हुए थे तो एक क्वेश्चन ये भी था कि जो फेक कॉन्टेंट है कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट है वो ज़रा जल्दी वायरल होता है तो ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइए प्लीज़ असलकम पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन उनकी टीम कासिम भाई सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक पहली पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस अरेंज करी जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए थी सुबह से शाम हमारे जो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ हम चिपक के बैठे होते हैं हमारे रिक्शे वाले को भी प्रॉब्लम बताएं और उसके सल्यूशन भी बताएँ और वो अपने इलम को शेयर नहीं करता सिवाय अपने छोटे से सर्कल के साथ मुझे जब दावत दी यहाँ आने की तो मैं टर्की में था मैंने और एक और इवेंट हाल ही में हुई थी दुबई में जो कि नास डेली की इवेंट होती है और जब मैं यहाँ होता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं आप में से कोई ऐसे हैं यहाँ पर जो मुझे जानते हैं काफ़ी सारे लोग जानते हैं तो मुश्किल होता है मिलना भीड़ में जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है जब मैं नास डेली की इवेंट में गया तो मैं कहूँ यहाँ तो कोई जानने वाला ही नहीं है तो अपनी औकात का पता चलता है कि हम किधर खड़े हैं तो जिधर जाके जिससे मिले वो कह जी मेरे सौ मिलियन फॉलोअर हैं मेरे पचास मिलियन फॉलोअर हैं मैं पचास मिलियन डॉलर साल का बनाता हूँ देखने में जो टड्डा पहन के फिर रहा होता है कि यार ये कैसा पचास मिलियन वाला बंदा है समझ ही कोई नहीं आ रहा अभी डेनिस ऊपर आया हुआ था और डेनिस में से जितने लोग साल में पैसे बनाते हैं वो एक हफ्ते में बना लेता है मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो इन्होंने बात कही और वो भी थोड़ा सा उसको टच करेंगे मैं ट्रैवल बहुत शौकीन हूँ करने का पांच मुल्कों में रह चुका हूँ अस एट्टी फाइव कंट्रीज़ घूम चुका हूँ रह चुका हूँ बहुत सारा टाइम गुजारा है तो एक दफ़ा मैं किसी जब भी गोरों से मुल्क में जाता था तो साथ जो है वो टबैसको की बोतल लेके जानी पड़ती थी क्योंकि खाने में मिर्चें ही नहीं होती खाया नहीं जाता था यार बग़ैर मिर्च के कैसे खाना खाते तो एक दफ़ा मेरा एक गोरी दोस्त घर पे आके ठहरी हुई थी तो अम्मी ने पूछा तुम लोग मिर्चे क्यों नहीं खाते तो उसने एक सिंपल सा जवाब दिया आप गैस कर सकते हैं कभी किसी ने खिलाई नहीं कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये मसाले भी कोई चीज़ होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान मसाले लेने आई थी मसालों का ट्रेड करती थी मसाले ढूंढने के लिए आई थी आज आपको मेजॉरिटी पाकिस्तान को ये पता है कि हमारे मुल्क में पंच आब हैं पांच दरिया बहते हैं 220 मिलियन इंसान रहते हैं जिनकी खोपड़ी अल्लाह ने ईलॉन मस्त जैसी बना के दी है कोई ख़ास डिज़ाइन पाकिस्तान में नहीं फिट किया गया तुम्हारी खोपड़ी ज़रा कमज़ोर होगी ज़मीन का 70 परसेंट खाली पड़ा हुआ है और मैं आप सबको दावत दूंगा कि रोड से सफ़र करें तो रोड के दोनों किराने पे नीचे से ऊपर तक लोग बैठे होंगे वेले फारग बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क ख्वाह में ख्वाह का गरीब है और मैं इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम करता हूँ जैसे कासिम भाई लोगों को सेल्फ़ एक्चुलाइजेशन की तरफ़ लेके जाते हैं मेरी भी ख़्वाहिश है कि ये हो लेकिन एक साहब है उनका नाम था इब्राहिम भाई इब्राहिम माजलो उन्होंने एक एक छोटा सा मैं आपको नाम कहूँगा कि आप उसको ज़रूर सर्च करें लिखें इब्राहिम माजलोस हायरटी ऑफ नीड्स इब्राहिम माजलो लिखेंगे इमेज दबाएंगे तो आ जाएगी हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं बड़े अजीब से हैं सेल्फ इस्टीम नहीं है मोरालिटी नहीं है क्रिएटिविटी नहीं है स्पॉन्टेनटी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते बड़े प्रेजडस होते हैं कबीलों में डिवाइड हैं पंजाबी सराइकी धिंदी आपस में लड़ते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते फैक्ट आप फैक्ट बताएं भी तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते तो इब्राहिम भाई कहते हैं कि मैंने इतने हज़ारों लोगों से मिला जब तक आप लोगों को सांस खाना पानी शादी स्लीप और उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे वो अपने सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते हम सुबह से शाम भाषण देते रहें हर जुम्मे के खुतबे में हम लोग कहते हैं अच्छे हो जाओ अच्छे हो जाओ अच्छे हो जाओ तो अच्छा होने तो नहीं हो रहे इन्हें बुरे तो नहीं है लेकिन फिर भी झूठ को हम बहुत खुशी से यू नो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेट आने को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं इकबाल ने कहा कि जब मैं वेस्ट में जाता हूँ तो मुझे मुसलमान नज़र नहीं आते इस्लाम नजर आता है और जब मैं ईस्ट में वापस आ जाता हूँ तो मुसलमान तो नजर आते हैं दी इस्लाम नजर नहीं आता आज इस कमरे में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जरा हाथ उठा के बताएं जो एक लाख रुपए से कम कमाते हैं आधे लोग उठाए हुए आप सब ख्वा मे में कम पैसे कमाते हैं कोई रीज़न नहीं है जिस तरह से यूरोपियन नहारी का नहारी का मसाला नहीं डाल के खाते मैंने नहारी खाई है यूरोप में थाईलैंड में सब जगह पे लेकिन वो उस नहारी में बगैर मसाले की होती है वो उसको अपना नाम देते हैं लेकिन उसमें मसाले नहीं होते आपकी जेब में मोबाइल मौजूद है इंटरनेट मौजूद है यूट्यूब मौजूद है और आप फिर भी अगर कम पैसे बनाते हैं तो आप अपने साथ जुलम करते आपके मुल्क में जो सबसे ताकतवर चीज है ना वो आपकी भूख है वो आपकी गुरबत है वो आपकी ख्वाहिश है कि आप आगे जा सकते हैं और दूसरी पावरफुल चीज आपके मोबाइल फोन है जिसने दुनिया की तमाम इलम आपके हाथ में लाके दे दिया है अब भी आप ना बदलें अब भी आप गरीब रहें तो हम उसको क्या कहेंगे क्या कहेंगे आवाज नहीं आ रही जोर से बोलो खामा खाए के गरीब पाकिस्तान कशकोल लेके फिरने वाला पाकिस्तान इधर से भीख मांगते हैं उधर से भीख मांगते हैं हमारे एक दोस्त हैं उस्मान शुख्ताई उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर हर पाकिस्तानी फाइबर पर जाके एक दिन में सिर्फ पाँच डॉलर रोज का कमा ले तो एक सौ अट्ठारह दिन में सारा कर्ज़ा ख़त्म हो जाए क्यों हमारे पॉलिटिशन्स खड़े हो के तनवीर नानला को नहीं खड़े करते जो कि करोड़ों रुपये कमाना सिखाते हैं साल का क्यों कासिम को खड़ा नहीं करते कि जो कि लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए उनको गाइडेंस देते हैं क्यों शायद जोया से नहीं कहते कि फैक्ट्रियां लगवाने में हमारी मदद करो क्या मदद चाहिए सिर्फ यूट्यूब पे जाके लिखना है मैं फैक्ट्री कैसे लगाऊं कब तक भिकारी रहेंगे हम मैं अपने मुल्क को भिकारी नहीं देखना चाहता आप चाहते हैं आप चाहते हैं तो ऐसा कोई पॉलिटिशन आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए आज के बाद जो कि भीख मांगने के लिए काम करे वो कोई भी हो सकता है और आपने खुद आगे आके वो चेंज बनना है जो यहां लिखा हुआ है कंटेंट क्रिएटर्स आर चेंज मेकर्स अगर रिक्शे वाले को सोल्यूशन मालूम है तो उसका मतलब है आपको भी मालूम है आपको किस चीज की शरम आती है कि आप वीडियो बना के इंटरनेट में नहीं डाल सकते आपके पास तो सोल्यूशन मौजूद है क्यों नहीं डालते किसने रोका है किसने रोका है मैं बकर ना हमने खुद अपने आप को रोका है कि मैं चेंज नहीं करूँगा पुप्पो क्या कहेंगी खाला क्या कहेंगे दोस्त क्या कहेंगे इसके चक्कर में अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इसी इवेंट में जिसमें मैं गया एक बंदे से मिला वो एक यूट्यूब का चैनल चलाता है 50 मिलियन डॉलर अ ईयर बनाते हो उसकी शक्ल से भी मैं वाकिफ़ नहीं था कभी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी आपको अगर शर्म आती है शक्ल दिखाते हुए तो आप वीडियो में शक्ल भी ना डालें आवाज़ भी, भी शर्म आती है तो फाइबर पर जाके पाँच डॉलर की आवाज़ ख़रीद लें कॉन्टेंट रिसर्च करके उसने अच्छा डाला किस जबान में अंग्रेज़ी में दुनिया की ज़्यादातर लोग लोगर्चुनेटली वो ज़बान बोलते हैं आप भी सीख लें एक और हीरो बैठे हैं अब्दुल वली मैंने सुना था कि मेरे पैनल में आप ये बंदा ना स्कूल गया है ना कॉलेज गया है ना यूनिवर्सिटी गया है साल में एक करोड़ रुपया बना लेता है आप यूनिवर्सिटी के चक्कर से खुआर नहीं हो रहे बाहर नहीं आ रहे क्यों बना लेता है इसकी आज अंग्रेजी बोलता है तुर्किश जबान बोलता है तुर्की में घर खरीद के बैठ गया है सारी दुनिया घूमता है सारी दुनिया को घुमाता है सब्जी बेचता था लाहौर में कुछ साल पहले तो आप लोग किसका इंतजार में बैठे हुए हैं हज़रत ईसा ने तो हम शायद अभी नहीं आगे यूट्यूब सिखाना आपने ही सीखना है उसको सिखाएं चलाएं और फ़ायदा उठाएं अब सवाल था औरजनल कि हम लोग गड़बड़ कॉन्टेंट की तरफ क्यों ज़्यादा मायल होते हैं सुना है साइंसिस्ट कहते हैं मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि हमारे दिमाग में एक पुरजा लगा हुआ है उसको कहते हैं अमिक डला वो रात को सोने का जो हारमोन है वो भी रिलीज़ करता है एंड फीयर जो है खौफ उसका भी जो सिग्नल है वो भी वही जनरेट करता है तो पुरा आज से 100 साल पहले लोग बाथरूम बल्कि आज तो पाकिस्तान में भी, भी बाथरूम जाते हुए भी लोग सांप के डस से मर जाते हैं हमारे घर में अटैच बाथरूम है बहुत सारों के बहुत सारों के नहीं है जो लोग गांव में जाते हैं तो वो उसका काम ही होता था कि हर गड़बड़ बात को हाईलाइट कर दो एम्प्लीफाई कर दो एम्प्लीफायर होता था लेकिन सिर्फ ख़राब चीज़ें दिखाई जाती थी तो अब क्या होता है कि आज से एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो दे ली र सयाल ने मेरे के साथ ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी वो वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है हालांकि मैंने उनकी तारीफ की थी लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं कि जी बड़े अच्छे काम करते हैं कासिम साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं कोई वीडियो नहीं देखेगा एक ज़रा गड़बड़ फोटो वाली आ जाए फिर देखें कि क्या होता है पूरे पाकिस्तान की खबर बन जाती है क्यों इसलिए कि वो जो अमिडला है उसका काम यह है कि आप गड़बड़ को हाईलाइट करें इसकी मैंने 25 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना के उर्दू में डाली हुई है अगर आप देखना चाहें तो देखें क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट्री है उसमें किसी के कपड़े नहीं उतारे गए तो कोई देखता नहीं है तो ये जहन में रखें कि अच्छी चीज़ नहीं बिकेगी अच्छी बात नहीं बिकेगी अच्छा पॉलिट सेलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम सारे लोगों को शेख रशीद चाहिए जो कि दूसरों की बुराइयाँ कर रहे होते हैं हम अनफॉर्चुनेट इंसान के अंदर ये पुर्जा लगा हुआ है काश की फ्यूचर आने वाली जनरेशन इसको निकाल दे बहुत बहुत शुक्रिया हमारा टाइम पूरा हो गया है मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है यूट्यूब पे बारह हज़ार वीडियोज़ हैं चाहे तो देख लीजिएगा पैंतीस से ज़्यादा किताबें हैं सब फ्री हैं कोई चार्ज नहीं करता मैं पैंतीस के करीब कोर्सेज़ हैं मेरा ख्वाहिश और ख्वाब है कि हर पाकिस्तानी कम से कम एक लाख रुपये महीना तो कमाए और अपने आप को इस खामी की गुर्बत से बाहर निकाल लें बहुत बहुत शुक्रिया Thank you very much, Rehan What an inspirational story. about us.